जमी मुसलमान है, अरबी नहीं। अरबी गए, ये नोट कर लीजिए, इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी, मोहम्मद उनमें से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद मेराज इनको मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आएंगे। और ये बात हो चुकी है 13वीं सदी ईस्वी में, 1258 में, जब सुकूत बगदाद हुआ है, अरबों के हाथ से आलम इस्लाम की क़यादत छीन ली गई, मादूर कर दिया। उसके बाद क़यादत किनके हाथों में आई? तुर्कों के हाथ। तुर्काने तैमूरी हिंदुस्तान में, तुर्काने सफवी ईरान में, तुर्काने सल्जूकी मिडल ईस्ट में, और तुर्काने उस्मानी का तो कहना ही क्या है, वो एशिया माइनर से चलकर, आपको मालूम है कि मशरकी यूरोप का कितना बड़ा इलाका, द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर इस सदी के आगाज तक कायम थी। इस सदी में अजीब अजीब मौजे हुए हैं, ग्रेट ऑटोमान एम्पायर जो 3 बड़े आदमों पर मोहित, नामो निशान खत्म, द ग्रेट USSR नामो निशान खत्म, अब तो रूस सारे मुल्क की हैसियत से रह गए। ये इस सदी में दो और वक्त नहीं है, मैं और आपको क्या बताऊं, इस सदी में तो बड़े बड़े अजीब आजूबे हुए हैं, बड़ी बड़ी दो अजीम जंगें हो चुकी है, तीसरी जो है सर पर खड़ी है, दूर नहीं है, जिसको हदीस में कहा गया है अल मलहमतुल हुज़्मा, तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग, और वही सलीबी जंग जिसका आगाज बोस्निया से हो चुका है। बहरहाल इस वक्त जो मैं कह रहा था, वरना मेरे पास तो यानी ये कि दर्द दिल कहने के लिए वक्त नहीं है, मुझे अपनी बात को महदूद करना पड़ रहा है, लेकिन मैं अब आ रहा हूं असल मौजू की तरफ कि एक इम्कान तो ये है कि इस ब्लॉक में इस्लाम का इहिया हो, और इसके लिए कुछ नवीने भी मौजूद हैं अहादीस नबविया में। वो तो आपने सुना होगा इकबाल का शेर, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हदीस में आता है यखरुजु नासुम मिनल मशरिक युवतेउन लिल महदी, यानी सुल्तान ही मशरिक से फौजें निकलेंगी ये जो कि महदी की हुकूमत कायम करेंगी, और ये होंगे हजरत फातिमा की नस्ल ही से रजी अल्लाह तआला अन्हा, लेकिन आलम अरब के अंदर फिर एक ताकत बनकर उभरेंगे, बातिल की कुव्वतों के खिलाफ जिहाद करेंगे।